बस मगर इन जाऊ नहीं, इन तो छोड़ दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावटी और मैं हूँ आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। इन पकड़ लो, मत दिखा दियो ना। नमस्कार, आज हम बात करेंगे यहाँ रेलवे स्टेशन नीमका थाना में, राजस्थान के नीमका थाना रेलवे स्टेशन पर स्काउट की तरफ से मानवता का धर्म निभाया जा रहा है, एक अनुपम उदाहरण है। और स्काउट की तरफ से यात्रियों को इस भरी गर्मी में चिलचिलाती धूप में पानी पिलाया जा रहा है। आप देख सकते हो कितने राहगीर यहाँ पे भीड़ है और काफी ये पानी, स्काउट वाले पानी पिला रहे हैं। भैया ये इधर आइए आप, ये अंकल जी भी कई सालों से स्काउट की सेवा में हैं, आज पानी पिला रहे हैं गर्मी में, 25 साल से। बोतल है, बोतल। बोतल है, ये कितने साल से चालू है काम? 25 साल से नीमका थाना स्टेशन पर चालू है। और आप देख सकते हो ये ट्रेन में सभी को पानी पिलाया जा रहा है। अरे एक बार इधर करिए आप, छोड़िए इसको। भाई साहब एक बात बताइए, ये स्टेशन और स्टेशनों में पानी की व्यवस्था है क्या? नहीं, कहीं नहीं है सर। स्काउट कहीं नहीं है, यहाँ पे ही है बस। यहाँ पे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई साहब इसको छोड़ दीजिए। तो ये बताइए आप, और स्टेशन पानी है रिंगस वगैरह, रिंगस सेवा दुख है क्या? पानी की व्यवस्था नहीं है? बस यहाँ पे ही मिली है आपको स्काउट की तरफ से? खारा पानी आता है, खारा पानी आता है उधर, पानी नहीं आता। ये पानी पी के देखो आप भाई साहब, इसको छोड़ दो एक बार। और बात करेंगे, आप कितने सालों से ट्रेन में सफर कर रहे हो? यहाँ पे कौन सा गांव है आपका? जिलो गांव है क्या? पानी की व्यवस्था जिलो में भी है क्या? कोई स्टेशन तो नहीं है, जिलो में ही है, यहाँ पे ही है, नीमका थाना में ही स्काउट की तरफ से पानी की व्यवस्था है। अभी और बाकी बात करेंगे ट्रेन जाने के बाद में। यात्रियों को ये पानी पिलाया जा रहा है, बोतल में डाला जा रहा है, ठंडा पानी है। ठंडा पानी वैसा भी है? ठंडा पानी है और बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। स्काउट की तरफ से मानवता का धर्म है ये, बिल्कुल धर्म है। बहुत धन्यवाद इन लोगों का, मानवता के धर्म को और मानवता इंसानियत को साकार करती स्काउट की टीम है। आगे तक बाल्टी लेके गए हैं सभी लोग, पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है लेकिन ठंडा पानी पिलाया जा रहा है। ये देखिए इधर भी आप देख सकते हो, ये पी रहे हैं सभी लोग, यहाँ पे माताएं बहनें सभी पानी पी रही हैं। और स्काउट की तरफ से जल सेवा है और लगातार 25 साल से जल सेवा की जा रही है। स्काउट के 25-30 जो मेंबर हैं वो यहाँ पर जल सेवा देते हैं। इस भरी दोपहर में अब 3 बज रहे हैं, ये गाड़ी आई है रेवाड़ी फुलेरा रेवाड़ी, और शटल आया है ये, इसमें पानी की व्यवस्था भरपूर है। और किसी भी गर्मी के मौसम में यात्रियों को पानी की आवश्यकता होती है और पानी की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। उधर भी देख सकते हो, मैं दिखाऊंगा आपको, पकड़िए इसको एक बार, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये भाई लोग यहाँ पे भी पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। और एक अच्छी व्यवस्था है, इंसानियत का पूरा नीमका थाना में देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से लोगों में मानवता होनी चाहिए, जगह जगह प्याऊ परिंडे लगाने चाहिए जिससे पानी की कोई कमी ना हो, क्योंकि गर्मी में पानी ही अमृत है लोगों के लिए। ये इस प्रकार से स्काउट के गाइड, ये बच्चे छोटे छोटे सभी सेवा कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग स्काउट में जो भी सभी लोग हैं वो दिन रात सेवा करते हैं यहाँ पर। और ये दोपहर में 11 बजे ट्रेन आई थी उसमें भी इन्होंने सेवाएं दी हैं। और ठंडा पानी किसको नहीं चाहिए, आप शेयर करें इस पोस्ट को, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और पेज को फॉलो करें, जुड़े रहें हमारे साथ कि एक सबसे बड़ा मानवता का धर्म है। जो इनसे बात करेंगे अंकल जी से, ये किस प्रकार से यहाँ सेवा कर रहे हैं, आप कितने सालों से सेवा कर रहे हो जल सेवा? तो 27 साल हो गई साहब। 27 साल हो गई जी स्टेशन पे, स्टेशन पे, इस नीमका थाना स्टेशन पे। ये अंकल जी हैं, बुजुर्ग हैं और इनको 27 साल हो चुके हैं इस जल सेवा को करते हुए। क्या मतलब आपको आनंद प्राप्त होता है, बताइए थोड़ा। खूब आनंद प्राप्त होता है। हाँ हाँ, इसके अलावा और भी सेवा करता हूँ जनता की। अच्छा, और भी सेवा करते हो, क्या नाम है आपका? लालचंद सोनी, रिटायर्ड। लालचंद सोनी है, रिटायर अध्यापक, अध्यापक है ये। और अध्यापक से रिटायर होने के बाद में नीमका थाना स्टेशन पर 27 सालों से पानी पिला रहे हैं। और एक अच्छी मुहिम है इनकी, आगे तक इस ट्रेन में पानी पिलाया जा रहा है। भाई साहब ये पानी की व्यवस्था अच्छी है क्या यहाँ पे? और इस स्टेशन पे है क्या पानी की व्यवस्था? नहीं है। और स्टेशन पे कहीं नहीं है क्या व्यवस्था? इसी स्टेशन पे है नीमका थाना में, रिंगा सिरेमाधोपुर फुलेरा फुलेरा कहीं नहीं है। धन्यवाद भाई, ये देख सकते हो। आप कितने सालों से कार्य कर रहे हो? मैं 2018 से कर रहा हूँ, 2018 से पानी पिलाने का, पानी पिलाने। तो ये दोपहर में, भरी दोपहर में आप यहाँ पे खड़े रहते हो, पानी पिलाते हो? बिल्कुल। स्काउट के कितने लोग हैं आपके साथ? स्काउट के यहाँ 25 आदमी, 25 लोग हैं स्काउट के, 25 लोग हैं, 50 है, 50 है, दो जगह। हाँ, बस स्टैंड सेवा चल रही है सर, बस स्टैंड पे भी? बिल्कुल, बस स्टैंड पे भी स्काउट की सेवा चल रही है। ये देखिए, पूरे हिंदुस्तान में स्काउट ने एक अनुपम उदाहरण दिया है मानवता का।
और ये राज्य राजस्थान राज्य भारत सरकार स्काउट गाइड स्थानीय संघ नीम का थाना द्वारा संचालित है। ग्रीष्मकालीन जो गर्मियों के मौसम में रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पुलिया के पास ये सेवा दी जा रही है। 17 मई से 24 जून तक चलेगी, यानी कि डेढ़ महीना करीबन ये सेवा चलेगी। इसके प्रभारी हैं राधेश्याम शर्मा रेलवे स्टेशन के, और प्रभारी बाबूलाल किरोड़ीवाल हैं, और भी कई सदस्य हैं। तो ये मतलब 17 को चालू किए थे आप जी, जी, और बघेगा में भी है, बघेगा में भी, बघेगा स्टेशन पर व्यवस्था की है आपने, बघेगा स्टेशन पर भी इन्होंने व्यवस्था की है। बात करते हैं इनसे एक बार। लो इधर आइए, आप तो इसको रखिए दोनों, आप आ जाइए इधर। हाँ बात करेंगे, डायरी बड़ी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर रख लीजिए आप। तो ये ट्रेन जाने वाली है, मैं पहले ट्रेन को दिखा देता हूँ। ये ट्रेन के यात्री खुश हैं सारे, पानी की अच्छी व्यवस्था है, और इसको शेयर करें जिससे सभी जगह पर जिन जिन स्थानों पर पानी की व्यवस्था नहीं है, गांव वाले मिलकर मोहल्ले वाले मिलकर एक पानी की व्यवस्था करें, और परिंडे लगाएं, मटके रखें, फ्रिज लगाएं, जिससे यही जीवन का उद्देश्य है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है, इंसानियत ही, और इंसानियत मानवता बचेगी तब ही इंसान बचेंगे। ये पानी से भी किसी की मौत हो सकती है, क्योंकि इस भरी दोपहर में भरी धूप में ये बहुत मुश्किल काम है ये पानी पिलाना और पानी पीना, जिससे लोगों की जान बचे। सभी लोग आ चुके हैं, अब ये पूरी ट्रेन को कवर किया था इन्होंने पूरी। इसको पकड़ ले भैया से, और ये सभी को दिखाना, मैं जाऊँ इधर जिधर है ना, पकड़ो सही, पकड़ो इसको। ये पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ये सभी स्काउट के लोग आ चुके हैं, जानते हैं। राधेश्याम शर्मा है, स्टेशन पर भारी है पानी पिलाने के। इधर आइए, आगे आइए आप, इनको ये बताइए आप, राधेश्याम शर्मा है आपका नाम है ना, तो स्टेशन पर भारी है आप पानी के कैंप के जल सेवा के, तो ये कितने सालों से सेवा कर रहे हैं? 25 वर्ष से निरंतर सेवाएं चल रही है। 25 वर्ष इसमें जो है ये महावीर प्रसाद जी भामाशाह हैं शर्मा जी, जिनकी तरफ से 4 बर्फ की सिलियां प्रतिदिन निःशुल्क दी जा रही है। महावीर प्रसाद हैं शर्मा, उनकी तरफ से 4 बर्फ की सिलियां, आइस फैक्ट्री वाले महावीर प्रसाद, उनकी तरफ से 4 बर्फ की सिलियां रोजाना दी जा रही है, और काफी ठंडा पानी है, मैं देख सकता हूँ काफी ठंडा पानी है वास्तव में, और एक पीते ही दिल को राहत मिले, क्या पेप्सी करेगी, क्या कोको कोला करेगा, पानी ही अमृत है, और इसी पानी की दरकार है आम इंसान को, गर्मी में झूझते झुलसते और गर्मी से प्यासे इंसान को पानी की जरूरत है, पानी अमृत है माना जाए तो, जिसको मिले उसके लिए कुछ नहीं, जिसको मिल जाए उसके लिए अमृत है। और ये छोटा छोटा बच्चा भी ऐसे बात करेंगे आगे। ये आपका क्या नाम है? गंभीर। कहाँ से आए हो आप? बुधौली रोड से है ये। कितने दिन से सेवा कर रहे हो स्काउट में हो आप? तो अच्छी लगी है आपको सेवा, जल सेवा, मानवता की सेवा इन्होंने की है। स्काउट राजस्थान का ये नीम का थाना का जिला जो बना है स्काउट है, वास्तव में अनुपम है, पिछले 27-25 सालों से जल सेवा कर रहा है, और यही और भी कई साफ सफाई के कार्य स्काउट ने किए हैं। नीम का थाना के सभी स्काउट अधिकारियों को टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बात करेंगे आप, बताइए थोड़ा आप आगे जाइए। इस जल सेवा में गिरधरलाल जी डांगर, छैल बिहारी जी, जाखड़ लालचंद जी सोनी, सुभाष चंद शर्मा, सत्यपाल जी यादव, पृथ्वी कुमार सैनी, शंभुदयाल सैनी, दिलीप कुमार तिवारी, कैलाश चंद जी शर्मा, ये तो समाज सेवी हैं, कुछ स्काउट मास्टर्स भी हैं, और जिन स्कूलों के बच्चे हैं ये विभिन्न स्कूलों के हैं, उस स्कूलों में सरस्वती पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूदोली, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरजनपुरा, गजानंद मोदी राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय नीमका थाना, शहीद जेपी यादव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमका थाना, एमजी स्कूल नीमका थाना, एसएनकेपी महाविद्यालय के रोवर्स भी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। कुल मिला के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी ही सेवाएं दे रहे हैं स्काउट के, और क्या कहेंगे आप इस जल सेवा के बारे में? जल सेवा के लिए साहब हमें तो बड़ा सुकून मिलता है, दुआएं मिलती हैं, पैसेंजर सब ये कहते हैं कि साहब बहुत ही सराहनीय कार्य है, हमें रिंगस से चलने के बाद और इधर से रेवाड़ी से चलने के बाद कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ ठंडा पानी, और विशेष अवसरों पर आ चूंकि अमावस्या थी इसलिए हम चीनी की और रुआवजा की व्यवस्था नहीं कर पाए, एकादशी और अमावस्या और विभिन्न भामाशाहों की तरफ से यहाँ चीनी की और रुआवजा की
व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो भी हम जो है इन पैसेंजरों को सबको पिलाते हैं। की भी की जाती है। टैंकर पानी का भी मंगाते हो गया? नहीं, पानी पानी की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था है। बर्फ की सिलिया महावीर प्रसाद जी की तरफ से लगभग 50,000 रूपए की बर्फ डेढ़ महीने में उनकी तरफ से निःशुल्क, लगभग 50,000 रूपए की बर्फ डेढ़ महीने में उनकी तरफ से निःशुल्क है। और रही बात 5 किलो चीनी, मैं भी यहाँ पे भेंट करूंगा और आप सभी से भी कहूंगा कि यहाँ पर आइए, सहयोग करिए। और यहाँ पर ही नहीं, गांव-गांव में, शहर ढाणी ढाणी में, शहर में, मोहल्ले में पानी की व्यवस्था हर जगह करिए। यही जीवन है, यही जीवन का सार्थक उद्देश्य है और इसी को करना चाहिए। बताइए, अपने स्काउट की तरफ से बस स्टैंड पर भी जल सेवा चल रही है, जो बस स्टैंड ये पुलिया है इसके पास, यहाँ श्री बाबूलाल जी किरोड़ीवाल प्रभारी है, वहाँ माउंडा के 7 बच्चे जल सेवा का कार्य कर रहे हैं, वो भी स्काउट्स के हैं सारे बच्चे। बाबूलाल जी करोड़ीवाल हैं, वो बस स्टैंड पर लगे हुए हैं, 7 बच्चे स्काउट के वहाँ हैं, वो बगेगा भी है और भी है। आपसे पूछेंगे आप कितने सालों से कर रहे हो काम? मैं आगे आ जाइए, अभी नए हूँ, इस साल ही मैंने जल सेवा की है। कौन से स्कूल में हो? सरस्वती, सरस्वती में। हाँ, तो अच्छा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा। कितने सालों से कर रहे हो? मैं भी पहली बार ही कर रहा हूं। नए हो और पुराना कौन है भाई आप? कितने साल पुराने हो आप? 2 साल हो गए जल सेवा करते हुए। कैसा लगा आपको? कौन सा नाम, क्या नाम है, कौन सा गांव है? नीम का थाना। ये आप कहाँ से हो? थोड़ा आगे जी, नीम का थाना से। कितने सालों से कर रहे हो? पहली बार ही। पहली बार है आप? नीम का। आप क्या नाम है? प्रदीप कुमार। कितने सालों से कर रहे हो? 2 सालों से सेवा कर रहे हो। ये और क्या क्या कार्य करते हो आप? जी पास, ये दिस इज अ 5 ईयर। जल पानी पिलाते हो और सफाई और दूसरों की सहायता। बिल्कुल, क्या क्या कार्य करते हो आप? पानी पिलाते हैं लोगों को, कोई जोर से बोलिए, बूढ़ा है उनको आगे गाते हैं और कुछ भी सामान सुमान है वो भाई यू लाफिंग यार। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अच्छा, और मैं जल सेवा देने के लिए और भी कौन सा गांव है? हरजनपुरा बासड़ी से बंदे आते हैं, स्काउट में हैं आप और स्काउट में है, और जो वृद्ध व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको ट्रेन में बैठाने का कार्य है, और जो जो मतलब कोई और संकट में है उसको वहाँ से संकट से निकालने का कार्य है, पानी पिलाने का कार्य है, सफाई का कार्य है, और भी बहुत से सामाजिक कार्य में योगदान है नीम का थाना की स्काउट का। पूरे भारत की स्काउट को इसी तरह से कार्य करना चाहिए जिससे लोगों के दिलों में राज करे और आगे जाने पर भी उनकी वाह वाह हो, और यही कहना चाहूँगा। और बाकी और कुछ और कुछ बोलना चाहेंगे आप क्या संदेश देना चाहोगे? और भी जगह प्याऊ परिंदे लगे साहब स्काउट की तरफ से तो लगी रहे हैं, और स्काउट वाले जगह जगह पक्षियों के लिए भी परिंदे लगा रखे हैं, जैसे 3-4 यहाँ लगा रखे हैं। मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि मानव की सबसे बड़ी सेवा ही है, जल जीवन है, तो गर्मी के टाइम में कम से कम पशुओं के लिए जगह जगह जो है खेली है वो बनाई जाए, पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जाए और पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था की जाए, चुग्गे की व्यवस्था की जाए, और मानवों के लिए जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की जाए, पानी, ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल, इन सभी लोगों की एक ही निवेदन है और मेरा भी यही निवेदन है आपसे कि जगह जगह पक्षियों के लिए परिंदे बांधे, वो पक्षी कहाँ जाएंगे जिनको प्यास लगती है? हम तो पानी उठ के पी सकते हैं, और वो पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? पशुओं के लिए भी जो पानी की व्यवस्था एक टैंक बनाकर या छोटा कुंडी टाइप बनाकर करनी चाहिए। और निवेदन आप सभी से कि इस गर्मी में आप सभी की परीक्षा है, हम सभी की ये परीक्षा है मानवता की, इंसानियत की, इसको निभाएं, अपना कर्तव्य जिम्मेदारी पूर्ण करें, अपना धर्म है ये कि इस इंसानियत मानवता के चलते हम पक्षियों का, पशुओं का और इंसानों का, जिसको जरूरत है पानी की वहां तक पानी पहुंचाएं, अपने अपने संकल्पित लेके ये कार्य करें, जरूर हम सफल होंगे। इंसान भारत का नाम विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसी की ओर अग्रसर हम कार्य करेंगे, अग्रसर होंगे। धन्यवाद। और भाई साहब से भी जानते हैं कि भाई साहब क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे इस पानी व्यवस्था के बारे में? पानी जो है जल ही जीवन है। हाँ। और राजस्थान हमारा जो है वो सर्वोपरि है। हाँ। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और आप सभी लोगों को मेरी बधाई है। हाँ। कि आप लोग ये प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि जल के बिना सब शून्य है, बिना जल के कुछ भी नहीं है इस जीवन के अंदर। पीडी पार्टी हूँ, कार्य करता हूँ, फिल्म एडिटिंग करता हूँ। अच्छा, फिल्म एडिटिंग करते हो आप, तो कहाँ सर, कहाँ करते हो ये? मैं फिल्मोरा का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अच्छा, फिल्मोरा के ब्रांड एम्बेसडर हो आप। ऑस्ट्रेलिया। शुभ नाम आपका? कृष्ण। कृष्ण कृष्णकांत बागड़ी मेरा नाम है। कृष्णकांत बागड़ी। बागड़ी,
और कहाँ से हो? हरियाणा, हरियाणा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से हो, यहाँ नीम का थाना में आज कैसे पधारे आप? यहाँ पे कुछ छोटा कार्य है, उस कार्य के लिए आया। कल एक कोई मृत्यु हो गई थी, उस मृत्यु के अंदर जो कपिल अपने हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में गया। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ की कुछ ऐसी समस्याएं थी कि उनको मुआवजा या जो भी कुछ है, लेकिन वहाँ के जो है, जो वहाँ के आयोजक है वो अच्छे लोग हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो भी उनका मुआवजा वो ठीक ठाक से मिले, इसीलिए मैं आया था। बाकी आप सभी को बधाई हो और आपके चैनल को बधाई हो कि आप लाइव चैनल पे कार्य कर रहे हैं, प्रशंसनीय कार्य है। जल ही जीवन है और यही हमारा जीवन है। आने वाले समय के अंदर एक राम कथा है 22 तारीख को, अगर आप लोग सभी पधारेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एड्रेस आपको थोड़े दिन में नोटिस करा दीजिएगा, बाकी मैं नोटिस कराऊंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बिल्कुल, धन्यवाद सर आपको भी कि आपने इतनी देर कैमरा संभाला, इन्होंने अच्छे से कैमरा संभाला। हमारे पास ना तो टीम है भाई, जितना हो सकेगा मेहनत करते हैं, और सही है टीम है तो गए हुए हैं एक दो बंदे, और ये सभी लोग यहाँ पर पानी की व्यवस्था इन्होंने की है। स्टेशन, स्टेशन दिखा दूं बढ़िया तरीके। हाँ स्टेशन आप बोलिए ना, बोलिए बोलिए, मैं पूरा स्टेशन दिखा दूँ। ये नीम का थाना स्टेशन भी है, ये पुलिया है, ये सुभाष मंडी बस स्टैंड की तरफ जाता है, वो आप देख रहे हैं उधर सामने वो ओवरब्रिज है, फाटक का ओवरब्रिज है और स्टेशन है, लेकिन यहाँ पंखों की कमी है। डीएम नरेंद्र सिंह आए थे यहाँ पे, लेकिन ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं हुई पंखों की, ये पंखे बहुत कम है, थोड़ी कूलर की व्यवस्था या और कुछ होनी चाहिए जिससे थोड़ा राहत मिले। बैठने की व्यवस्था उस साइड में आप देख सकते हो, उस साइड में काफ़ी धूप है यहाँ पे स्टेशन पे, ये धूप की व्यवस्था भी कुछ करना चाहिए। ये यात्री नीम का थाना में लाखों यात्री आते हैं, हजारों गाँवों से, हजारों कस्बों से गाँव यात्री आते हैं। नीम का थाना कोटपुतली तक के लोगों के लिए एक साधन है रेलवे का, और बहुत ही अच्छा साधन है, यहाँ पर कोटपुतली तक के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था नहीं होने से छाया की व्यवस्था होनी चाहिए। प्लेटफार्म नंबर 2 पर छाया की व्यवस्था नहीं है। छाया राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मांग करता हूँ नीम का थाना की जनता की तरफ से कि यहाँ पर कम से कम एक छाया की व्यवस्था तो उचित रूप से की जाए। ये आप देख सकते हो दूर दूर तक यहाँ छाया की व्यवस्था नहीं है। एक यहाँ से भी स्टेशन पर थोड़ी दूर टिन शेड लगी है, फिर बाद में पूरा खाली है, और धूप में बारिश में यात्री परेशान होते हैं, यात्रियों की मांग सुनी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं पत्रकार दीपक शर्मा के साथ झलको शेखावटी, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद, जय हिंद।